हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। गाइस आज हम जा रहे हैं उज्जैन, मतलब मैं जा रहा हूँ उज्जैन। उज्जैन मतलब महाकाल की नगरी। महाकाल का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर डे लाखों लोग आते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है उज्जैन की नगरी, नाम तो आपने सुना ही होगा। आज मैं उज्जैन जा रहा हूँ, तो गाइस कंटिन्यू करते हैं। बेटा तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं उज्जैन, और ये मेरे साथ वाले भी मिल चुके हैं। ये देखो, ये भी मिल चुका है। और उज्जैन पहुंचने के बाद हम जाएंगे अब महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट में, लिफ्ट से ब्रिज चढ़ के फिर हम उस साइड जाएंगे, फिर वहाँ फैमिली से मिलने के बाद। तो गाइस लिफ्ट में चढ़ चुके हैं हम लोग, अब उस साइड प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारी फैमिली बैठी है, उनको लेके फिर मैं जाऊंगा बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन। गाइस ये है उज्जैन रेलवे स्टेशन। रेलवे देखिए गाइस, ये काफी ट्रेनें खड़ी हुई हैं, बहुत बड़ा स्टेशन है ये। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन कहलाता है, ज़्यादा फेमस है महाकाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से बाबा के ऊपर। ये देखिए कितना बढ़िया स्टेशन है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं उज्जैन। अब यहाँ पे ये सिप्रा नदी में हम लोग नहाएंगे। ये देखिए गाइस ये क्या नदी है, ये देखिए हमारी फैमिली भी आ चुकी है, ये गाड़ी से उतर रहे हैं सर। ये देखिए गाइस ये है सिप्रा नदी, और ये देखिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो देखिए गाइस मेला भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए गाइस ये महाकाल की नगरी उज्जैन। तो गाइस ये उज्जैन बहुत ही बड़ी नगरी है महाकाल के दर्शन के लिए। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ये कैसा कहा जाता है, महाकाल के जो भी दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो गाइस इसलिए यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने। ये देखिए गाइस काफ़ी लोग हैं। हेलो गाइस, तो हम फाइनली आ चुके हैं उज्जैन, और यहाँ पे हम करेंगे दर्शन। ये देखिए गाइस ये देखिए, ये धूप में कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखिए काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पब्लिक आई हुई है। ये देखिए गाइस बहुत ज़्यादा पब्लिक आई है यहाँ पे। ये देखिए गाइस क्या सीन है, यहाँ पे एक नदी है। देखिए गाइस कितनी पब्लिक है, गाइस कितनी पब्लिक है यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए ये हमारी फैमिली है इतने सारे मंदिर गेट पर, और हम लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पूरा सब इकट्ठे एक साथ चले। चलो भाई यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग आए हैं। और हम भी अब महाकाल के दर्शन करेंगे, अभी तो हम लाइन में लगे हुए हैं, अभी बहुत दूर चलना है पैदल पैदल। अभी ये एक तालाब जैसा कुछ आया है, तालाब के बाद हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे कुछ प्रसाद वगैरह लेके, तो फिर करेंगे महाकाल का दर्शन। तो गाइस हम यहाँ पे सामान रख रहे हैं, हमारा सामान ये प्रसाद वगैरह लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं सामान। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग सामान रख रहे हैं, यहाँ से हम प्रसाद वगैरह लेंगे। और ये लोग बोल रहे हैं कि यहीं पे सामान रख दो,
और यहाँ से आपका सामान कहीं नहीं जाएगा। तो गाइस हम लोगों ने भी इधर ही रख दिया है सामान, और यहाँ से ये महाकाल बाबा की नगरी गुम्बद दिख रहे हैं, और यहाँ से हम जूते यहाँ पे रख के फिर यहाँ पे जाएंगे। तो गाइस हम लोगों ने जूते चप्पल और सामान रख दिया है, और अब हम निकल रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है, यहाँ से पैदल जाना है हम लोगों को यहाँ से, और पैदल जाने के बाद हम लोग लाइन में लगेंगे, लाइन में लगने के बाद फिर अंदर दर्शन होंगे हमारे। अरे कई लोग पीछे पीछे हैं और हम थोड़े से आगे हैं। क्या हो गया बता, ऊपर से बना दो। अरे सब बनाएंगे, चिंता ना करें। अरे भाई ये तो ऊपर बना, ये देखिए गाइस, ये धूप के कारण अच्छे से नजर नहीं आ रहा है, धूप कम करवा दे। बस आगे का व्यू तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, और महाकाल की नगरी कहा जाता है। महाकाल तो हमेशा ही सभी के दिल में बसे हुए होते हैं। भोलेनाथ सबके दिल में बसे हैं, एक के नहीं। और ये देखिए गाइस, ये महाकाल बाबा महाकाल के अलग अलग रूप। तो गाइस हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, ये देखिए गाइस जो ऊपर का नज़ारा, ये बाबा महाकाल की नगरी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, काफ़ी। ये गाइस महाकाल द्वार जो है अंदर। तो गाइस हमने बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए हैं, वहाँ हमारा मोबाइल उन लोगों ने ले लिया था, अब इसलिए मैं वहाँ से वीडियो नहीं बना पाया। तो गाइज़ अब यहाँ से हम दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए कल्पेश्वर महादेव, ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर बना हुआ है बाबा महाकाल का, ये देखिए गाइज। अरे यार मैं तुम्हें वहाँ कहाँ ढूँढ रही हूँ। ये देखिए गाइज काफ़ी पब्लिक है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, और ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े मंदिर बने हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा पत्थरों के मंदिर बने हैं महाकालों के, और ये पत्थर का मंदिर बनाना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ज़्यादा। इसी बात नहीं, मेरा भाई कर लेता है पत्थर का काम। देखिए गाइस ये देखिए गाइस, ये बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं। तो गाइस ये है भोले बाबा का विशाल रूप शेषनाग के साथ। हरे हरे महादेव हरा लगा, देखा फायर ब्रिगेड के पूरा सिस्टम दिया है।